सुमंतपुर के सरहदी इलाके में एक आदमी रात में अकेले जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक पुकार सुनी। पिताजी, मैं हूँ मुन्नी। पिताजी, मुझे गोद में उठाओ ना। पिताजी, मैं हूँ मुन्नी। पिताजी, मुझे गोद में उठाओ ना। पिताजी, उस पुकार को सुनकर पीछे मुड़ते ही एक छोटी बच्ची लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए आकर उसके बाल को नोच कर खाती है। ले चलो रे, मुझे गांव ले चलो रे। जोर से चिल्लाते हुए, भयंकर ढंग से हंसते हुए उसे आवाहन करके गांव की ओर चलती है। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी सरहद पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। आवाहन किए व्यक्ति को छोड़कर फिर से हवा में उड़ते हुए वापस लौट गई। प्रवेश करना है, किसी भी तरह गांव में प्रवेश करना है। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ऐसा जोर से चिल्ला रहे थे भूत दबू आवाहन करके छोड़ दिया व्यक्ति खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से सुमंतपुर के सरहद में रात के समय उधर से गुजर रहे पुरुषों को भूत के आवाहन करने पर वे खून की उल्टियां करके 21 दिनों तक बेहोश होकर थोड़ा थोड़ा खून उगलते हुए मर जाते हैं। एक दिन कुछ लोग गांव के प्रधान धनराज के घर आकर, साहब कल रात को फिर भूत ने एक को आवाहन किया। सुबह देखा तो वह खून की उल्टी करके बेहोश पड़ा है साहब, लेकिन वो हमारे गांव का नहीं है साहब, कोई राहगीर है। भूत के हाथों से फिर से एक और बलि बन गया है। अफसोस, क्या इस भयानक आपदा को रोकने वाला कोई नहीं है? उस भूत की पीड़ा कब खत्म होगी पता नहीं। साहब, कोई तांत्रिक को ले आएंगे। क्या तुम हमारे गांव के हो? नहीं साहब, पड़ोस गांव से हूँ। मैं इस गांव में अपने दोस्त के घर आया हूँ। इसलिए तुम नहीं जानते, एक दिन हम एक तांत्रिक को लेकर आए, लेकिन तांत्रिक ने सरहद इलाके में पूजा की और भूत को एक बोतल में बंद कर लिया, लेकिन भूत ने बोतल को खोलकर हमारी आंखों के सामने उस तांत्रिक को मार डाला। वहीं पर मौजूद हम सभी सरहद को पार कर गांव में आ गए और वो भूत गांव में प्रवेश नहीं कर सकी। इसलिए हमने अपनी जान नहीं गवाई, अन्यथा मैं भी उस दिन उस भूत के हाथों मर जाता। ऐसा होने के बाद भी काफी जगहों से कई तांत्रिकों को लाया गया, लेकिन भूत की ताकत का सामना वे नहीं कर सके और वे तांत्रिक भाग गए। अफसोस की बात है, अब तक उस भूत के हाथों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए। वो भूत हमारे गाँव की पीड़ा बन गई। एक रात सरहदी इलाके में सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को, पिताजी मैं हूँ मुन्नी। पिताजी, मुझे गोद में उठाओ ना। पिताजी, मैं हूँ मुन्नी। पिताजी, पिताजी मुझे गोद में उठाओ ना। मैं हूँ मुन्नी, मुझे गोद में उठाओ ना। पिताजी, मैं हूँ मुन्नी। ऐसा बुलाते ही उधर से गुजर रहा व्यक्ति पीछे मुड़ते ही एक छोटी बच्ची लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए आकर उसके कंधों पर चढ़कर बैठकर बाल को नोच कर खाती है और भूत में बदलकर जोर से हंसते हुए, ले चलो रे, मुझे गांव ले चलो रे, नहीं तो मरोगे, उसे आवाहन करके गांव की ओर चलती है। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी सरहद पार कर गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। उसे छोड़कर वापस लौट गई। भूत द्वारा आवाहन करके छोड़ दिया व्यक्ति खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। ये सब एक पेड़ के ऊपर से लेटा हुआ नाटा भूत देखकर वापस लौट रहे भूत को नाटा भूत रोकने की कोशिश करता है। बंग बगीनी बगूते बग बजीरे, हम हिरनी कित्ते किदा कजीरे, उड़ते मिड़ते बुम बुस स्वाहा, उड़ते मिड़ते
हम स्वाहा। नाटक भूत को बहुत कोशिश कर रहे होंगे। उस भूत को रोक उस भूत ने नाटक भूत को लेकर लात मारी। झटके से चक्कर खा कर नाटक भूत भी कहीं जा गिरा। अरे बाप रे, कितनी जोर से लात मारी शैतान भूत। रुको, तुम्हारी खबर लेता हूँ। तुम्हारे बारे में अभी अपनी मंत्र वाली काकी को बताता हूँ। नाटा भूत हवा में सर से उड़ते हुए महुआ जाकर सब कुछ मंत्र वाली काकी को बताकर काकी को सुमंतपुर ले आता है। लोकी जन्म दग्गी, मैं सुमंतपुर जा रही हूँ। वहाँ मेरी शक्ति कम पड़ जाए तो तुम दोनों तुरंत आ जाना। सुमंतपुर पहुँचने पर ग्राम प्रधान ने मंत्र वाली काकी को सारा मामला बताया। अंधेरा हुआ, सभी लोग गांव में रुक गए। काकी अकेली गांव की सीमा पार कर सरहद पार कर कदम रखती है। गाबरा जामन जून। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया गया वो हवा में उड़ता हुआ आया। काकी बनाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत काकी की मंत्र शक्ति से बचकर भागते समय जमदग्नि लोकी दोनों बिजली की गति से आकर हवा में उड़ रहे उस भूत को हवा में ही दोनों तरफ से बंदी बना लिया। ओह, आ गए तुम लोग। लोकी जमदग्नि भूत को बंदी बनाते मंत्र वाली काकी नाटा भूत के बालों के ऊपर बैठकर हवा में उड़ते हुए जाकर भूत से, तुम कौन हो? तुमने दोष पुरुषों को क्यों मार रही हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? मेरा नाम हाथी है। हमारा गांव भी यही सुमंतपुर है। ठीक 16 साल पहले हम गांव में खेती का काम करते थे। हमारी शादी के काफी समय बाद 3 लड़कियां पैदा हुई और एक के बाद एक साल के अंदर तीनों की मौत हो गई। बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। मेरे भाग्य में अब संतान सुख नहीं है, इसलिए मैं रोज दुखी होती थी। एक दिन शाम को मैं खेत में काम करके लौटते समय रास्ते में मैं किसी की दर्द से करहाने की आवाज सुनकर उस ओर गई। वहां एक बूढ़ी औरत थी, वो ज्योतिषी काकी थी। भूख भूख, उस बुढ़िया को जो भी भूख से करहा रही थी हमारे घर ले जाकर खाना खिलाया। बुढ़िया भी भूख मिटाकर थोड़ी ताकत मिली तो मेरा हाथ देखा और कौड़ी जमीन पर बिखेर कर, तुम्हें गर्भधारण का अभिशाप है, तुम्हें बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर पैदा भी होंगे तो 1 साल के अंदर मर जाएंगे। अब तक तुम्हारे पैदा हुए 3 लड़कियां मर चुकी हैं ना? हाँ काकी, आपकी हर बात सच है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है काकी? तुम्हें जन्म जन्मांतर का गर्भश्राप है, बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर पैदा भी हो गए तो जीवित नहीं रहेंगे। काकी, तुम जो घटित हो चुका है ठीक ठाक बता रही हो, फिर तुम भूख से क्यों बिलक रही थी? अपनी शक्ति से भोजन प्राप्त कर सकती थी ना? हम पथिक है, भ्रूण देवी को पूछते हैं। हमें केवल वही खाना या पीना है जो हम भिक्षा के रूप में लेते हैं, अन्यथा भ्रूण देवी नाराज हो जाएंगी, हमें श्राप लग जाएगा। इसलिए भले ही हम मर जाएं, हम अपने लिए खुद कुछ नहीं पकाते हैं, न ही खाते हैं, न ही पीते हैं। हम केवल भिक्षा ही स्वीकार कर लेते हैं। काकी की बातें सुनकर मुझे काकी पर, काकी की शक्तियों पर बहुत भरोसा हो गया। मेरी समस्या का वे परिष्कार दिखाएंगी ऐसा सोचकर, काकी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने अपनी सारी परेशानी काकी को बताया। हमारे पिछवाड़े में दफन मेरे तीनों बच्चों की कब्र दिखाई। काकी ये देखो, मेरे तीनों बच्चियां की समाधियां। वो बड़ी बच्ची आशा की, ये दूसरी बच्ची अमूल्या की और ये तीसरी बच्ची अखिला की है। मेरा दुखड़ा सुनकर काकी तुरंत अपने गले में मौजूद खोपड़ियां की माला से 3 खोपड़ियां मुझे देकर, यह लो बेटी,
इन तीन खोपड़ियों को अपनी तीनों बेटियों की कब्र में एक एक करके दफना दो। ऐसा करने पर उनकी आत्माएं पेड़ बनकर उगेंगे और हमेशा तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। काकी, मेरा गर्भ श्राप दूर होने का कोई रास्ता है क्या? हाँ है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना कठिन है काकी, मेरे बच्चे पैदा हों और जीवित रहें। मुझे बताओ काकी, क्या करना है? बताओ काकी। यदि तुम यहाँ से 300 मील दूर मघोड़ा पहाड़ी पर भ्रूण मंडप में 10 वर्षों तक भ्रूण जाप करोगी तो तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा और एक पुत्र पैदा होगा और जीवित रहेगा। लेकिन उस शुद्र जाप शुरू करने के बाद किसी भी हालत में उस पूजा को बीच में नहीं रोकनी चाहिए। अगर रुक जाती है तो वापस सरहद पार कर अपने गांव में नहीं जा सकती। यहां तक कि तुम्हें अपने पति को भी त्यागना पड़ेगा। यदि तुम शुद्र पूजा को बीच में रोकती हो तो तुम्हारे रक्त संबंधियों या आत्मिक रिश्तेदारों की ही पूजा से पूरा करना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम्हें फल मिलेगा। ध्यान से, मैं चलती हूँ। ध्यान से। मुझे विस्तार से बताया कि भ्रूण देवता की पूजा कैसे करना है और मुझे मंत्र बताया। एक दिन हमारे घर में, सुनिए जी, हमारे बच्चे पैदा होने का एक परिष्कार है। तुमसे शादी करने के बाद मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, बताओ। हमारे बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, यही होता है। उन्हें बेवजह क्यों जन्म देना, फिर उन्हें क्यों मारना? अब ये विचार छोड़ दो। नहीं जी, ज्योतिषी काकी ने मुझे एक युक्ति बताई। वे बहुत शक्तिशाली है। उसने मेरा हाथ देखा और सब कुछ बता दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके वारिस को जन्म दूंगी जी। मैंने अपने पति को काकी द्वारा बताई गई शुद्र पूजा के बारे में बताया था, लेकिन मेरे पति। अगर उस ज्योतिषी बुढ़िया ने कुछ कहा तो उस पर विश्वास करने के लिए तुम पागल हो क्या? कोई भ्रूण पूजा नहीं, कोई हुरून पूजा नहीं। अपना मुंह बंद रखो। मेरे पति ने मुझे गुस्से में डांटा, लेकिन मेरे पति को लड़कों से बहुत प्यार है। किसी भी तरह उन्हें एक लड़का देकर उन्हें पिता बनाने के लिए उन्हें भी बताया बिना मैं शुद्र पूजा करने के लिए उस पहाड़ी पर चली गई जहाँ भ्रूण देवता मंडप स्थित है। काकी के बताए अनुसार रोज भ्रूण की मूर्ति को पोंछकर पानी से धोकर साफ करके उसके सामने रंगोली बनाकर शुद्र जाप करने लगी। कृतम च साधनम गर्भ पाप प्रायश्चित भ्रूण शीणम कणम करम प्रवर्तयम सुख प्रदम काम शम प्रम प्रम कृतम च साधनम गर्भ पाप प्रायश्चित भ्रूण शीणम कणम करम प्रवर्तयम सुख प्रदम काम शम प्रम। इस तरह मैं प्रतिदिन मंत्र पढ़कर भ्रूण मूर्ति की पूजा करती थी। इस तरह कुछ वर्षों तक मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना नियमित रूप से शुद्र मंत्र का जाप करती रही। 3 दिन शेष थे कि 10 वर्ष पूरा होने के लिए मेरा स्वास्थ्य पूर्णतया खराब हो गया। जाप करते करते मेरी मृत्यु हो गई। मैं मरकर आत्मा बन गई। मैं आत्मा बनकर बाकी बचे 3 दिनों की पूजा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस मंडप के अंदर भी नहीं जा सकी जहाँ प्रतिमा स्थित है। अपने गाँव वापस जाकर अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन मैं सीमा पार नहीं कर सकी। यदि तुम पूजा पूरी नहीं कर सकी तो अपने गांव में भी नहीं जा सकती। तब से मैं आत्मा बनकर पूजा पूरी करने में असमर्थ, सरहद पार कर गांव में जाने में असमर्थ, इधर से गुजरने वाले पुरुषों में अपने पति को देखकर एक छोटा लड़का बनकर उन्हें आह्वान करके उनके द्वारा गांव में प्रवेश करने का लाख प्रयत्न करने पर भी सरहद पार आने जाने में असमर्थ हूँ। मेरे रक्त संबंधी कोई और 3 दिनों की पूजा पूरी करने पर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। भूत की बताई सारी बातें सुनकर तुम्हारे आह्वान करने के कारण कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। बहुत हो गया तुम्हारे कुकर्म। अब तुम्हारी वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। मैं आज से तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मृतक पति और बच्चों से मिलाऊंगी। क्या मेरा पति मर गया है? तुम्हारे छोड़कर जाने के कुछ महीने बाद तुम्हारा पति, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुख से बीमार होकर उसकी मृत्यु हो गई। मैंने ये सब अपने पति के लिए ही किया, उन्हें एक बच्चा देकर उन्हें पिता बनाने के लिए।
लेकिन अब वे ही नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम्हारे जन्म जन्मांतर का गर्भ श्राप दूर हो, इसके लिए बाकी बचे 3 दिनों की पूजा किसी भी तरह पूरी करनी होगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं उस भ्रूण मंडप में नहीं जा सकती, मैं उस मूर्ति को छू नहीं सकती, फिर मैं पूजा कैसे कर सकती हूँ? उसका एक उपाय है। लोकी, तुम जाकर भारती के घर के पिछवाड़े में उसके पति के अस्थियां और 3 बच्चों की कब्र में उस ज्योतिषी काकी द्वारा दी गई मंत्र खोपड़ियां ले आओ। जाओ। ऐसा कहते ही लोकी जाकर भारती की पति की अस्थियां 3 मायावी खोपड़ियां लाकर गांव के सरहद पर काकी के सामने रख दिया। मंत्र वाली काकी बेताल तंत्र करके भारती के 3 बच्चों की आत्माओं को बुलाती है। गाब्रा जामन जो गाब्रा जामन गाब्रा जामन जो। सभी मिलकर भ्रूण मंडप के लिए निकल पड़े। मंत्र वाली काकी, जमतगिन, लोकी के साथ नाटा भूत, भारती भूत और 3 बाल आत्माएं मिलकर भ्रूण मंडप पहुंचकर, लोकी, जन्मदग्गी, अपने अपने बेताल मुकुट निकालकर प्रत्येक बच्चे आत्मा के सामने रखो। ऐसा कहकर अपना बेताल मुकुट भी निकालकर 3रे बच्चे भूत के सामने रखती है। लोकी और जमदगिन ने भी अपने बेताल मुकुट निकालकर बच्चों के आत्माओं के सामने रखकर गाब्रा जामान जू। मंत्र का जाप करते हैं 3 बच्चों भूतों की आत्माएं वहां मौजूद कौवा, हंस और सांप में प्रवेश कर जाती है। काकी तुरंत भूत से, ये देखो, ये 3 प्राणी अब तुम्हारे आत्म संबंधी हैं। ये तुम्हारी शेष 3 दिनों की पूजा पूरी करेंगे। इनकी आत्माएं 3 दिनों तक इन प्राणियों में रहेंगी। क्योंकि तुम मंडप के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए बाहर रहकर मंत्र का जाप करो। काकी के बताए अनुसार भूत मंडप के बाहर से मंत्र का जाप कर रही थी। कृतम छा साधनम गर्भ पाप परिहारम पिंड क्षीणम कनम करम प्रवर्तव्यम सुख प्रदम प्रम श्रम त्रम। कौवे के रूप में आशा की आत्मा पंखों को जोर से फड़फड़ाने पर मंडप में भ्रूण की मूर्ति पर लगी सारी धूल उड़ गई। हंस के रूप में अमूल्या की आत्मा तालाब में भीग कर मंडप में आई और जब जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगी तो मंडप पर प्रतिमा गीला होकर साफ हो गए। अंततः सर्प रूप में अखिला की आत्मा ने मूर्ति के सामने अपनी पूंछ से रंगोली बनाई। इस प्रकार 3 आत्माओं ने 3 रूपों में मंडप की मूर्ति को साफ कर दिया। मंडप के बाहर भारती भूत मंत्र जाप कर रहे थे। इस तरह 3 दिनों तक उन्होंने भ्रूण मूर्ति की पूजा पूरी की। मंत्र वाली काकी, जमदगिन, लोकी के पास बेताल मुकुट नहीं होने के कारण बदले की भावना से क्रोधित भूत और आत्माएं रात के समय उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे उन्हें रोक रहे हैं। दिन ब दिन भूतों की संख्या बढ़ती जाने के कारण वे 3 भ्रूण मंडप में छिपे हुए हैं। उस मंडप में भूत प्रेतों का प्रवेश संभव नहीं है। 3रा दिन पूरा होते ही नाटा भूत जाप करने वाले भूत के चारों ओर मौजूद 3 बेताल मुकुट लेकर मंडप में छिपे काकी, जमदगिन और लोकी के पास फेंक देता है। लेकर उन भूतों को खत्म करते हैं।
भारती की आत्मा का श्राप दूर होते ही वो आत्मा अपने पति की कब्र में चली गई। भारती का कंकाल उसके पति की कब्र के बगल में दफना दिया गया। सुमंतपुर गांव के लोगों को भूत की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। सभी अब रात में भी निर्भय होकर सरहद के रास्ते पर जा रहे हैं। चलिए, और किसी गांव में कुछ आपदा है, भूतों का काम तमाम करते हैं।